दौर चल रहा है और दिवाली में बच्चों को सबसे प्यारे होते हैं पटाखे। इस बार सरकार ने पटाखों पर कई पाबंदियां लगाई हैं। इस बीच ग्रीन पटाखों के साथ बच्चे दिवाली मनाएंगे। मार्केट में दिवाली के लिए फैंसी पटाखों की रेंज आ रही है। इस विषय पे NBCA ने शक्करदरा स्थित नवरंग पटाखा भंडार के रूपेश चौधरी से बात की है। देखते हैं उनका क्या कहना है। बच्चों के प्यारे पटाखों में इस बार कई वैरायटी आई है, जिसमें फसी अनार, बटरफ्लाई जैसे पटाखों का समावेश है। ये पटाखे काफी आकर्षक है, जो बच्चों की दिवाली खुशनुमा कर देगी। रूपेश चौधरी ने संदेश दिया है कि बच्चे पटाखे तो फोड़े मगर सावधानी पूर्वक। रूपेश चौधरी, नवरंग पटाखा भंडार, सकदरा चौक। फटाकों का माहौल तो अभी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अभी बन रहा है। अभी यानी अभी बच्चों की छुट्टियां लग गई है, तो अभी थोड़ा सा सीजन अभी चालू हो गया है। और इस साल फटाकों के अंदर में थोड़ी सी नई वैरायटी, बहुत यानी जो स्काई शॉट है, स्काई शॉट में बहुत सारी वैरायटी आई, क्योंकि आजकल लोगों को ज़्यादा आवाज़ के फटाके पसंद नहीं है। तो उस हिसाब से जो है सब स्काई शॉट वाले आइटम्स आए हुए हैं, जिसमें ये बहुत सारी आइटम्स है। जैसे ये हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर वाला जो शॉट है, ये ऊपर यानी अपना एक हेलीकॉप्टर जैसा पूरा ऊपर तक जाएगा बढ़िया कलर्स के साथ में। फिर ये चटचट है, ये छोटी सी क्रैकलिंग करते हुए जलता है, बच्चों को बड़ा मज़ा आता है इसमें। और फिर बाद में ये एक लिटिल बी करके एक आइटम आया हुआ है वनिता कंपनी का, ये भी एक मधुमक्खी जैसा है, ये भी एक ऊपर तक उड़ते हुए मक्खी जैसा उड़ते हुए जाता है। और ये एक फ़ोटो फ्लैश वाला आइटम आया है, जैसे फ़ोटो का कैमरा फ्लैश करता है उस टाइप से फ्लैश करेगा। और ये अभी एक नया आइटम आया है इस साल, ये एंग्री बर्ड करके एक क्रैकलिंग करके अनार है, ये कलर्स के साथ में इसमें बहुत बढ़िया आवाज़ से क्रैकलिंग होते हुए अनार निकलता है। और ये जो ड्रोन अपन देखते हैं, तो ये ड्रोन की आइटम आई हुई है, जिसको लगाने के बाद में ये भी काफ़ी हाइट तक ऊपर जाती है और काफ़ी यानी बच्चों के लिए काफ़ी मनोरंजक है। अभी फैंसी फराटों में ये है, और भी बहुत सारी वेराइटियाँ हैं, जैसे कुछ स्काई शॉट्स है, जैसे 15 शॉट आता है, 30 शॉट आता है, ऐसा वो 15 से लेके तो तकरीबन 240 शॉट तक आता है उसमें। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इस बार दामों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, 1-7% का फ्लक्चुएशन है, बाकी उससे ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। ग्राहकी अभी तो फिलहाल में धीमी थी, लेकिन आज धनतेरस का जो दिन है, तो आज धनतेरस से बाजार में थोड़ी सी चहल पहल, अच्छी रौनक चालू हुई है। ग्रीन फटाखों का ऐसा है कि ग्रीन फटाखे ने जो एक प्रशासन द्वारा जो अप्रूवल किए हुए फटाखे हैं, जो 125 डेसिमल के अंदर में आते हैं, जिसको गवर्नमेंट यानी अपनी जो नागपुर की जो नीरी है वो उसको अप्रूव करती है, तो वो जो सारे फटाखे ग्रीन फटाखे। और अभी जो यानी सभी जगहों में जो माल है, यानी जो फटाखे है, लगभग 100% ग्रीन फटाखे ही है। फटाखे की क्या है, दिवाली धूमधाम से मनाओ, थोड़ा सा सुरक्षित रह के मनाओ। कोर्ट ने पटाखे फोड़ने के 3 घंटे के वक्त में कमी करते हुए 2 घंटे कर दिया है। यह निर्णय पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बढ़ने वाले प्रदूषण को कुछ हद तक कम कर सकता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शंकलवा, BCN न्यूज़, नागपुर।